ये भाई देखो अपने बिस्कुट बन के बाहर निकलने लगे हैं। तो मैडम ने तो डिब्बा में गालने शुरू कर दिए बिस्कुट, ये नो मान लो पूरा चड्डा चलेंगे भाई। तो राम राम, गुड मॉर्निंग सारा ने, मैं थारा देसी कलाकार मंदीप राणा और स्वागत है एक और नया ब्लॉग में। भाई 10 बज गए और आज संडे है, दोनों चिड़िया नहा के बाहर आंगन में खेलन लग रही हैं भाई धूप में, और पोरस मेरी माँ के पास खेलन लग रहा है, थोड़ी चाय पी लें भाई। हेलो, एक कप बढ़िया सा गाढ़ा सा चाय का बना लें। राम राम जी, ठीक हो गए सारे? आज है संडे और साथ में जी अमावस्या, मतलब अपनी आम भाषा में मोस है, खीर बनाया दी, बामन चुना दिया, बच्चे उठ के नहा गए, मोंटी रख गए खेलने, और रिपोर्ट्स में नहाऊंगी, मिठाना की चाय बनाऊं, और आज मैंने उनसे पहले बताया नहीं, क्या बताना था, बिस्कुट खत्म हो रहे हैं, जब वो खा कर अकेली चाय नहीं पिया करते सुबह सुबह, अब देखेंगे कि होगा, गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे। बिस्कुट नहीं लाई चाय गल, बिस्कुट तो खत्म हो गई, खत्म हो लिए, बताई भी नहीं बनवा लिया उम्र में, मेरी याद कौन रही, ध्यान तो था फिर। तो भाई मैं सवेरे सवेरे चाय के गल है देसी घी के बनावड़े बिस्कुट खाया करूँ भाई, आज हो गए खत्म, और आज संडे भी है, मेरे ख्याल तो आज बिस्कुट ही बनवा लिया मैं भाई। आज आपने और काम करने के लिए ना, आज फ्री हूँ मैं, और आंसी चलेंगे भाई आज, और देसी घी के बिस्कुट बनवा के लेवांगे, आपने भी दिखाऊंगा किस तरह बना करें देसी घी के बिस्कुट। ओके, अभी नहा धो लूँ और खाना खा लूँ, फिर चलते हैं हांसी। तो भाई नहा लिया मैं, खाना खा लिया, और अब चलते हैं हांसी, देसी घी के बिस्कुट बनवा के लेवांगे, आपको दिखाऊंगा भाई किस तरीके से बनाते हैं वो वहाँ पे बिस्कुट। तो भाई गाड़ी में बैठ लिया मैं और गाड़ी कर ली स्टार्ट, आज मौसम बड़ा अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया गाम लकड़ रहा है, और चलो ही चलेंगे हांसी। तो भाई पहुंच गया मैं हांसी, और बिस्कुट बनवाने थे बिस्कुट वाले भाई साहब के पास पहुंच गया हूँ, ये देखो अभी बनाने लग रहे हैं, कैसे बनाते हैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई चीनी मिला दी, चीनी में देखो अपना दूध और अजवाइन को मिक्स कर रहे हैं भैया, इसके बाद इसमें आटा डालेंगे, और फिर यहाँ ये भट्टी है, इसको खोलना भाई साहब एक बार गेट को, इस भट्टी में रखे जाते हैं और यहाँ पे पकाई होती है, बड़ा देसी तरीका है, और बड़े स्वादिष्ट बिस्कुट बना देते हैं भाई, ये बहुत ही बढ़िया, ये देखो, ये देखो भाई अब इसमें घी डाल दिया इसने, लक्सेसुद देसी घी, पहले चीनी दूध और अजवाइन को मिक्स किया है, उसके बाद घी डाल दिया, और अब इसमें सोन डालेंगे भाई, और उसको मिक्स करेंगे, फिर ये घी को कर दिया इसमें मिक्स भाई, देखो किस तरीके से बड़े बढ़िया तरीके से बनाते हैं, यहाँ काफ़ी सालों से बनवाता हूँ मैं। दिया भाई चून अपना जो घर से ले गया आधा मैं, और अब ये मिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर डाई में जाएंगे बनने के लिए बिस्कुट। ये अपना चून तैयार है भाई, और ये डाई में रख दिया, अब यहाँ पे डाई से निकालेंगे बिस्कुट, वह डाई में से निकल के बाहर आने लग रहे हैं बिस्कुट, और ये यहाँ पे ये देखिए थोड़ी देर में इनको भट्टी में रखा जाएगा, बिल्कुल देसी तरीके से देसी वीडियो देखने लग रहे, और भाई देसी घी के देसी तरीका था बिस्कुट बनने लग रहे हैं, ये देखो भाई बहुत ही स्वादिष्ट बिस्कुट है, ये देखिए ये सामने भट्टी है, भट्टी में रखेंगे थोड़ी देर में, और फिर ये बन के तैयार हो जाएंगे, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए भाई तो ये भाई मैं लेके आया था 1 किलो घी,
और 2 किलो चून और 1 किलो चीनी, थोड़ी अजवाइन वगैरह कुछ, और 1 किलो दूध। तो इसमें भाई साहब 1 किलो घी में कितने बिस्कुट बन जाते हैं ये? हाँ, 2 किलो आटे के कितने बन जाएंगे? 4.25 किलो बिस्कुट बन जाओगे भाई। ये 1 किलो घी, 2 किलो आटा और चीनी वगैरह मिला के, मतलब दूध वगैरह मिला के 4.25 किलो बिस्कुट बन जाओगे भाई। और बहुत ही देसी तरीका था बनाने लग रहे हैं भाई साहब। देखो ये देखिए, इस डाई को अपने हाथ से घुमाने लग रहे हैं, ऊपर से इसको घुमा रहे हैं, ये देखिए, और नीचे बिस्कुट बन के तैयार हो, ये देखिए, ये देखिए। ये देखो भाई, भट्टी के अंदर रखने लग गई है भैया। देखो अंदर इसको ट्रे को अंदर रख रहे हैं, थोड़ी देर में ये देसी तरीका था पक्के ना भट्टी में, और बाहर निकाल लिया जाऊंगे भाई, और फिर अपने बिस्कुट तैयार हो जाऊंगे। ये देखो, यहाँ ये आटा मिक्स हो रहा है, यहाँ डाई में से निकलने लग रहे हैं, और यहाँ ये भैया रखने लग रहे हैं अंदर भट्टी में। ये देखो भाई, है ना बिल्कुल देसी तरीका और देसी घी के बिस्कुट भाई। ये देखो भाई, थोड़ी देर में बन के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ये देसी तरीका तो पकाए जा रहे हैं। ये भाई देखो, अपने बिस्कुट बन के बाहर निकलने लग गए हैं, 2 ट्रे बाहर आ गई। देखो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता। ये देखो, भट्टी में रखी थी बस 5-7 मिनट में पकाई हुई, और फिर बाहर निकालने शुरू कर दिए। ये थोड़े बहुत जो एक साइड से पके नहीं है, इसको ट्रे को थोड़ा सा साइड बदल के अंदर रखने लग रहा है भाई। ये देखो, एकदम गर्मा गर्म बिस्कुट अपने भाई तैयार हो गए हैं। ये लो भाई, बिल्कुल गर्मा गर्म बिस्कुट तैयार हैं। ये देखो, ये देखो भाई, है ना सफाई का काम। ये देखो भाई, भट्टी में से निकलने लग रहे हैं, और यहाँ ये देखिए भाई, थोड़ी देर में सारे तैयार हो जाएंगे, और फिर इन भाई डालेंगे एक थैली थुली में। यो देसी तरीके से बिस्कुट बनाने वाला तरीका भाई तुमने किसा लग गया, कमेंट्स करके जरूर बताइयो। ये भाई अपने बिस्कुट हो गए तैयार, ये भी ये थैली में डलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखो, अब इनको डाल लेते हैं। 1 किलो घी में भाई 4.25 किलो बिस्कुट बन गए ये। ये देखिए, ऐसे डाई में से निकलते हैं, और ऐसे फिर भट्टी में, ये देखो भाई, बिल्कुल देसी तरीका है इनका बिस्कुट बनाने का। ये भी ना पे डालना थैली में। तो भाई बिस्कुट हो गए अपने तैयार, एक चाला बैठ के गाड़ी में घर। तो आप बताओ आपने किसा लग गया भाई, वो देसी तरीका था बिस्कुट बनाने। ये भाई भट्टी ले रहे हैं, भट्टी में ट्रे टरे रखे हैं, वे गर्म हो गए ना, बिस्कुट पक जाए भाई, और एक वो चून चान ने भेगे ना, घी मिला के ना, चीनी दूध सब कुछ मिला के टाइट कर ले भाई उसने चून ने, और फिर वह डाई है, उस डाई के में अलग अलग
वे हैं मतलब डिजाइन की भाई किस टाइप के बिस्कुट बनवाने हैं, तो उसने घुमाए जावे हर नीचे बिस्कुट निकले जावे हैं, तो बिस्कुट लिए बनवा ये चलना भाई घर। यह है भाई हांसी की जाट धर्मशाला, ये देखो भाई बहुत बढ़िया बना रखी हांसी की जाट धर्मशाला है ये देखो। आज एतवार है भाई, शहर में ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है। दुकान वगैरह भी बंद है आज अधिक, तो वैसे भी एतवार ने दो फारती खोल रहे हैं भाई। स्टैंड और दिखा दें भाई आपने, ये देखो अंदर जाके ही दिखा देंगे। यू है भाई हांसी शहर का बस स्टैंड, ये देखो भाई हांसी शहर का बस स्टैंड है यो, ये देखो ये है हांसी का बस स्टैंड। तो भाई हांसी से निकल लिए और अब चलना घर, घर बच्चे भी बाट देखते पाओगे भाई, पापा भी स्कूल बनवान जा रहे हैं, फोन भी वीडियो कॉल भी बहुत बार कर ली, वीडियो कॉल करके देखे देखे बिस्कुट किस तरह बनाए हैं, ये भी उन्हें बिस्कुटे दिखा देंगे भाई घर ले जाके ना, ठीक है तो चलना घर। पहुंच गया घर, बच्चे देखते हैं क्या कर रहे हैं, ये बच्चे खेलन लग रहे हैं भाई, ये देखो भाई मैं बिस्कुट बनवा के ले आया हूँ तारा पत्थर। हाँ बिस्कुट के खेलन लग रहे हो दिव्या, गुड़िया खेल रहे हो तनु के। हाय तो बोला नहीं आज आपने, हाय हाय हाय। अंदर देखते हैं मैडम क्या कर रही है भाई, मैडम ने समलवा दिया बिस्कुट, मेरी माँ भी कौन भाई आ रहा है, कित गए हेलो। हाँ लो जी आपके बिस्कुट, तोड़ा गया दो तीन घंटे लगाया यार, डाल दे इन्हें क्या है मई। मैडम ने तो डिब्बा में घालने शुरू कर दिए बिस्कुट, ये नो मान लो पूरा चड्डा चलेंगे भाई, इतने बनवा लिया हूँ, 4 किलो बिस्कुट आएंगे और बच्चे भी खा ले, मन ने भी पसंद है। असल में तो भाई बढ़िया है, मतलब बाजार से लेनी जो लेवा हाँ वो क्या पता कि किस चीज़ डाल के बनावा है, और ये अपने खुद धोरे बैठ के बनवा के लिया हूँ मैं, इसमें अपने देसी घी डलवाया मैंने, तो खाने में भी स्वादिष्ट और वैसे भी स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है भाई, मतलब मार्केट की चीज़ तो ठीक है क्यों जी, ऐसा ही है ना। और भाई ये लो मेरी माँ ने तो आज फिर बाजरा की खिचड़ी की तैयारी कर दी भाई, पिछला वो लोग आपने देखा था जो बाजरा की खिचड़ी वाला 25 तारीख ने, तो 24 तारीख ने बनाई थी भाई 24 दिसंबर ने, उसके बाद आज बनने लग रही बाजरा की खिचड़ी, आज फिर खावांगे। इधर ही आराम डेगची धर दी और इसमें बनेगी बाजरा की खिचड़ी, और भाई ये बच्चे आड़े खेलन लग रहे हैं, ये देखो भाई यह मैडम बन रही है दिव्या और ये बच्चे खेलन लग रहे हैं यहाँ। तो भाई फिलहाल मैं लग रहा था एडिटिंग करन, और एडिटिंग कर दी मैंने पूरी, ये भी इसने यूट्यूब पर डाल देंगे ताकि आपने सवेरे 8 बजे देखने मिल जावे। और भाई किसा लगे आज का ब्लॉग कमेंट्स करके बता तो दिया करो यारो, हमें पता तो चले हम बनाने लग रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं यार, कई बार तो रात को 2 बज जाते हैं मेरे को एडिटिंग करते हुए, फिर उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ मैं, तो कमेंट्स करके बताया करो यार, और बढ़िया लगे तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और ये मेरी माँ ने बना रखी बाजरा की खिचड़ी, मैं खा लूँ बाजरा की खिचड़ी, और आज का ब्लॉग किसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए भाई, देसी घी के बिस्कुट किस किस ने पसंद है और कौन कौन खाया करा अपना घर, कमेंट्स जरूर करना। राम राम सारा ने, जय हरियाणा जय हरियाणा।